नमस्कार, मेनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। मेनपी की भोगांव पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने गैर प्रांत से तस्करी कर लाई जा रही करीब 4 लाख से अधिक कीमत की शराब बरामद कर ली और मौके से 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। देखिए हमारे संवाददाता गुलजार अहमद की ये रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी की पुलिस ने लगातार अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के तहत जनपद मैनपुरी की भोगांव थाना क्षेत्र की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने कस्बे के नगला दीपा के गांव में छापा मारकर 115 पेटी अवैध शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 3,86,000 रुपये के आसपास आंकी जा रही है। पुलिस के अनुसार मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी, गाँव में शराब उतारी जा रही थी। इसी सूचना पर पुलिस ने दबिश दी, जिसमें उसे 115 पेटी अवैध शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 3,86,000 रुपये के आसपास आंकी जा रही है, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी 3 आरोपी मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। जो सर ये जो दारू पकड़ी गई है, ये किस ब्रांड की है और कहाँ से पकड़ी गई है? कल रात में हमारे दरोगा जी गश्त पे थे, उसी दौरान मैं मक्कूर सूचना मिली कि नगला दीपा में शराब का अवैध कारोबार है, कुछ गाड़ियां हैं जहां शराब भरी हुई है। मुखबिर की सहायता से हमारे दरोगा जी गौरव राठी नगला दीपा पहुंचते हैं और वहां जाके वो देखते हैं कि 3 गाड़ियां, जिसमें ट्रैवलर बाइक, इसमें कुल मिला के 115 पेटी शराब जो हुई लेके आते हैं और थाने में मुलजिम उसमें 6 पकड़े जाते हैं। 3 मुलजिम ऐसे भी हैं जो भाग चुके हैं, जिनका भी नाम FIR में दर्ज है। विवेचना के दौरान जल्द ही जल्द उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जाएगी, उन्हें पकड़ा जाएगा। कितना पेटी पकड़ी गई है? 115 पेटी शराब बरामद। जो मुलजिम भागे हुए हैं वो कब तक क्या पकड़े जाएंगे? उम्मीद है कि टीमें तो कल रात से लगा दी गई हैं जो भी मुलजिम है उनके लिए, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी। इसकी कीमत कितनी आंकी गई है?